हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्लॉगर फैमिली। तो मैं हूँ विमी और आपको याद होगा फ्रेंड्स कि नवंबर के मंथ में विंटर शुरू होते ही हमने विंटर वेजिटेबल्स लगाई थी, तो उनमें से पालक, मेथी सब वो तो हमने यूज़ कर ली, खा ली। और तो ऑर्गेनिक सब्जियों को खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है और एक सेटिस्फेक्शन जो मिला, हालांकि क्वांटिटी बहुत कम थी लेकिन बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। तो उनमें से एक ऐसी वेजिटेबल है जो 3 या 3.5 महीने के बाद तैयार होती है, वो है ब्रोकली। तो मैं आज आपके साथ अपनी ब्रोकली की ग्रोथ वो दिखाना चाहती हूँ, तो ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ब्रोकली के प्लांट है, ये देखिए इसमें ब्रोकली आ गई है। इसमें ये आ रही है, बहुत छोटी सी। ये छोटे से पॉट्स में भी लगा दिया। ब्रोकली के सैपलिंग्स को जब रिपॉट किया जाता है, बड़े पॉट में लगाया जाता है, तो कम से कम 8 से 10 इंच का उनमें डिस्टेंस होना चाहिए और तभी वो ठीक से ग्रो करेगी। और कभी भी इतना ड्राई नहीं होना चाहिए, जैसे इतना हो रहा है डेली उसमें वाटरिंग करनी है। ब्रोकली को धूप बहुत पसंद है, इसको डेली धूप चाहिए। और इस इतना ग्रो होने तक या इतनी ग्रोथ होने तक उसको कम से कम 90 डेज लग जाते हैं। तो मैंने नवंबर में ये प्लांट लगाए थे और सीड से मैंने इसको ग्रो किया और अब इसमें स्टार्ट हो गई है। आपने देखा कि कुछ में ग्रो हो चुकी है और कुछ में अभी ग्रोथ शुरू हो रही है। अप्रॉक्सीमेट 90 to 100 डेज में ब्रोकली हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और एक चीज मैं इसमें और बताना चाहूंगी, ये जो ब्रोकली है इसमें येलो होने लग गए हैं कुछ, तो मुझे ये हार्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसमें से आप ये देख रहे होंगे लीव्स के बीच में ग्रोथ आ रही है, तो जब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे ये ग्रोथ भी इसमें से, इसको हम ऐसे ही प्लांट को छोड़ देंगे और इसमें से दोबारा से ये ग्रो करने लग जाएंगे। लेकिन इनकी ग्रोथ इसके बराबर नहीं होगी, वो थोड़े छोटे होंगे, लेकिन आप इसमें फर्टिलाइजर डालते रहेंगे टाइम टू टाइम आफ्टर 15 डेज, तो फिर ये अच्छा ग्रो करेंगे। तो हमें ब्रोकली को वंस इन ए वीक उसकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आराम से। और जनरली 10 दिन में इसमें नीचे के लीव्स येलो होने लगते हैं, उन्हें भी हमें तोड़ना पड़ता है। जैसे ये लीफ है और इसको तोड़ के हमें निकालते रहना चाहिए, और मल्चिंग के लिए भी हम इसी में उसके लीव्स को डाल सकते हैं। ब्रोकली को मॉइस्चर बहुत पसंद है, इसलिए पानी डेली देते रहना है और वेल ड्रेन्ड सॉइल तो है ही इसकी। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैंने कैसे मिट्टी तैयार की,
गुड़ाई करते समय अक्सर मुझे इस बार ये मशरूम मिलते हैं। ये इसके बीच में अपने आप ही आ जाते हैं। ये खाने वाले मशरूम तो नहीं है, फिर मैं इनको निकाल देती हूँ ताकि न्यूट्रिशन पूरा ब्रोकली को ही मिले। तो फ्रेंड्स, ये मेरे गार्डन की पहली ब्रोकली है और मुझे लगता है कि ये जो आपने ग्रोथ देखी, नेक्स्ट वीक में ये भी खाने लायक हो जाएंगे। तो उसके बाद और भी कुछ प्लांट्स हैं जो अलग अलग गमलों में मैंने लगाए हैं और उनमें मुझे लगता है कि उससे भी अगले हफ्ते तक उसमें ब्रोकली आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 हफ्ते तक हमें कॉन्टीन्यूसली ब्रोकली मिलती रहेगी अपने गार्डन से। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और सब्जी के बारे में बताऊंगी जो मेरे गार्डन में अभी हो रही है, ग्रोथ अच्छी चल रही है, उसी वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।